मुंबई में उपचुनावों का दौर शुरू हो चुका है तो उसी में एक सीट मानखुर्द गोवंडी से भी है, जहां से विट्ठल लोखरे ने एक बार फिर चुनाव के लिए अपना नामांकन भरा है। नामांकन के लिए निकले विट्ठल लोखरे के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि एक बार फिर इस सीट पर वो चुनाव जीतेंगे। तो तीनों पक्ष के आगाड़ी की गवर्नमेंट बनी है और मैं बताना चाहता हूँ कि सीएम हमारे दो साहब हैं और आप देख रहे हैं नागपुर में जो अधिवेशन हुआ है इसमें ऐसे उद्धव साहब काम कर रहे हैं जैसे कि 30 साल पहले से उद्धव साहब सीएम है, ऐसे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। जैसा कोस्टल रोड का अभी स्टार्ट किया, आरे का जो स्थगिति दिए, जो पेड़ नहीं तोड़ना चाहिए, बाद में खेती जो फार्मर है उनको जो 25,000 मिलना चाहिए, वो सब बात के लिए खुद उद्धव साहब बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और ये जो बाय इलेक्शन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम और सब जनता चाहते हैं कि विट्ठल लोखरे जो 20-25 साल से काम कर रहा है, जो आवाम में घूमता है, वही हमारा नेता है, वही हमारे घर का बच्चा है, वही हमारे घर का लड़का है और हमारे विभाग में विकास करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारी मतों से मैं आप लोग के सबके आशीर्वाद से चुन के आऊँगा और जो आवाम की जो गरज है, जो काम है, वो मैं करने की जी जान से कोशिश करूँगा। शुक्रिया। आपने सर एक क्वेश्चन, आपने जो उद्धव साहब का नाम लिया, उद्धव साहब के ऐसे माहौल से लग रहा है, ऐसे सरकार चला रहे हैं अभी जब 15-20 दिन हुआ या एक महीना होने को जा रहा है कि लगता है कि वो बहुत अनुभवी और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस मैदान के। मैंने पहले बताया कि मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि तुरंत 20 दिन में गवर्नमेंट स्थापन करना और बाद में डायरेक्ट अधिवेशन में जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बता दिया कि ऐसा लग रहा है कि उनको 30-35 साल का तजुर्बा है और इतने सरल ढंग से जो विरोधक है उनको उत्तर दे रहे हैं और बहुत भारी पैमाने पे काम करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ ये जो महाआघाड़ी है ये कम से कम 15-20 साल अच्छे ढंग में महाराष्ट्र में काम करेगी, ऐसा मुझे। के साथ उमड़ी भीड़ को देख ऐसा लग रहा था मानो विट्ठल लोखरे नामांकन के लिए नहीं बल्कि अपनी विजय रैली निकाल रहे हों। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यहां से कौन बाजी मारेगा। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।